नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा। ले चलते हैं आपको रुड़की की तरफ। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर गांव में एकता गैस एजेंसी के पास बाइक सवार युवकों ने 3 राउंड फायर कर दिए। बताया गया है कि बाइक सवार बदमाश पैसों की लूटपाट की फिराक में थे, जिससे कि वहाँ मौजूद ट्रक ड्राइवर सुरेंद्र के पैर पर भी गोली लग गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सिविल अस्पताल भिजवा दिया है। पुलिस ने इस मामले में आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है। कोतवाली प्रभारी मनोज मैनवाल ने बताया कि युवकों की तलाश भी की जा रही है। रुड़की से राजचंद्रा की रिपोर्ट। धन्यवाद। और उन्होंने लूट करने की कोशिश की, लेकिन लूट में जो है कामयाब नहीं रहा पाए। उन्होंने फायरिंग की, हवाई फायरिंग की, और हवाई फायरिंग करने के बाद एंगल में लगने के बाद एक ड्राइवर के पैर में लगी गोली आकर। बाकी कोई ऐसा वो नहीं, क्योंकि यहाँ पर चेतक वाले लगातार रहते हैं और उस टाइम बैठे हुए थे। चंद मिनट पहले ही वो निकले तो तभी वो लोग आ गए थे। सर, पुलिस का कहना है कि आपके सीसीटीवी कैमरे भी खराब हैं, क्या मानते हैं? वो तो आज ही सुबह कोई फॉल्ट हुआ है बिजली का, उसमें खराब हुए, लेकिन कैमरे चालू थे ही। कर्मचारी घायल है सर? कोई कर्मचारी कोई घायल नहीं है। एक ड्राइवर हमारा था जो गैस की गाड़ी करनाल से लेकर आता है, उसके पैर में गोली लगी थी, वो आर पार निकल गई। गोलियाँ चलाई है? 3-4 राउंड गोली चलाए उन्होंने। आप भाई गोदाम है, यहाँ दो लड़के आके फायर कर गए, तो उसी सूचना पर आए। अभी स्थिति का स्पष्ट पता नहीं लग पा रहा क्या है। इसमें इनके द्वारा बताया गया है कि एक कर्मचारी जो है, इनका ड्राइवर जो अंदर खड़ा था, वो रिकॉचिट होकर उसको पैर में गोली लगी। क्या नाम मामला सर? रंजीश है क्या? कुछ है सर? अभी देखते हैं जो भी एंगल होगा, बाद जांच के आपको बताया। कितने लोग थे सर, क्या बताया जा रहा है? कितने लोग थे सर, किसी को गोली लगी है सर? इसमें प्राइमा फेस है, इनके द्वारा 2 लोग बताए जा रहे हैं। सर, बताया जा रहा है कि 30-40 हज़ार रुपये लगभग कैश था यहाँ, जैसे लूटने की फिराक में थे। नहीं, ऐसा मुझे एंगल लग नहीं रहा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इनके जो लूटने के स्कोप हैं वहाँ से बैग छीन कर भाग भी सकते थे, और स्पेस भी है उस अलमारी में जहाँ देखा। अभी कोई घायल है? अकाउंटेंट को कुछ कहा सर? यहाँ पर आसपास सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था भी है, तो वो क्या चेक करिए आप? अभी इनके सीसीटीवी कैमरे खराब है, जो चेक किए खराब होना पाया गया है सीसीटीवी कैमरा। कोई घायल भी है सर इसमें? हाँ, कोई घायल है इसमें सर? हाँ, एक घायल है, एक का ये बता रहे हैं घायल है, उसे देख रहा अभी अस्पताल चल कर। सर, बार बार पुलिस द्वारा चेकिंग की जाती है कि बैंक वगैरह में सीसीटीवी कैमरे चल रहे नहीं चल रहे, और यहाँ का कैमरा बंद पड़ा है, इस चीज को लेकर आप क्या कहेंगे? लापरवाही की जाएगी इस लापरवाही।